हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीलम। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक स्नैक्स रेसिपी जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि एकदम डिफरेंट स्नैक्स है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो हार्ट स्नैक्स, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो हार्ट स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं। इनको हम मैश कर लेंगे अच्छे से। हमें इन्हें इस तरीके से मैश करना है कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया पोटैटोज़ को। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, ऑरिगेनो थोड़ा सा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिए की पत्ती। आप चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद हम इसका एक डो तैयार करेंगे इस तरीके से। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। और अब हम अपने हैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इसको अपने हैंड से प्रेस करते हुए फ्लैट करते जाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं अगर हम इसको बेलन से करेंगे तो बेलन में सारा जो मसाला है वो चिपक जाएगा, इसलिए हम इसको हैंड से करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुकिंग कटर लिया है हार्ट शेप का, इससे हम कट करते जाएंगे। अगर आपके पास कुकिंग कटर नहीं है तो आप किसी भी ग्लास से या जो भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें उससे कट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे जो स्नैक्स है वो रेडी कर लेंगे कट करके। तो यहाँ पर मैंने लिए एक प्लेट में सेवई, इसको हम क्रश कर लेते हैं इस तरीके से। इसका हमें एक चूरा बना लेना है। हम इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़ा चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसकी हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो हमारी जो स्लरी है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। अपना जो स्नैक्स है वो डिप करेंगे स्लरी में, उसके बाद हम इसको ये जो सेवई हमने ली है उससे कोट कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें बाकी की जो स्नैक्स हैं उनके साथ भी यही करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम एक एक करके सारा जो स्नैक्स है उसको ऐड करते जाएंगे। और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम इसको पलटते हुए फ्राई करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्नैक्स है उसका कलर एकदम से चेंज हो गया है, बहुत ही यमी दिख रहे हैं हमारे स्नैक्स। अब इनको निकाल लेते हैं। और जो हमारे जो बाकी के बचे हुए स्नैक्स है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको भी हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारे जो पोटैटो हार्ट स्नैक्स है वो बन के रेडी है।
बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसको आप अपने पार्टी में या फिर जब भी आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तब आप इसको बना सकते हैं स्नैक्स को। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है ये। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।